61वें फाइनेंस कमीशन द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों के साथ, पीछे पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल थे, उनके साथ वर्चुअल मीटिंग की, जिसकी जानकारी माननीय पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने अपने फेसबुक पेज पर दिया। और यह राशि जो आ रही है पंचायतों के विकास के लिए कैसे खर्च किया जाएगा, इस पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि कैसे खर्च करना है। क्योंकि बिहार में स्थितियां बदल गई है, यहां पंचायती राज के जो संस्थाओं के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके जगह पर परामर्शी समिति काम कर रही है। और अंदरूनी सूत्रों की माने तो बिहार पंचायत चुनाव पर भी चर्चा की गई है, बहुत ही हार्ड कोर मीटिंग हुई है। और पंचायती राज मंत्री ने सिर्फ फाइनेंस विभाग की वर्चुअल मीटिंग के बारे में जानकारी शेयर किया है। क्या जानकारी शेयर किया है और चुनाव के संबंध में क्या चर्चा अंदर खाने में चल रही है, इस पर हम बात करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। 61वें फाइनेंस कमीशन द्वारा जारी रिपोर्ट की वर्चुअल रिव्यू मीटिंग आज सोमवार को किया गया, जिसमें राज्यों को जारी फंड एवं पंचायतों में कैसे खर्च किया जाए, पंचायतों के विकास के लिए कैसे खर्च किया जाए, उसका उपयोग में लाने पर चर्चा किया गया कि इस पर विस्तृत चर्चा हुई है। मीटिंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों मुख्यमंत्री और प्रधान सचिव वित्त विभाग द्वारा प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया, उसका पूरा जो किस तरह से खर्च करना है, कैसे कैसे पैसा का बंटवारा होना है, उसका प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में। तो हम शुरू करते हैं कि आखिर इस मीटिंग में हुआ क्या। पहले हम देखते हैं कि सम्राट चौधरी ने क्या जानकारी शेयर किया है। तो सम्राट चौधरी ने जानकारी शेयर किया है कि 61वें फाइनेंस कमीशन द्वारा जारी रिपोर्ट की वर्चुअल रिव्यू मीटिंग में भाग लिया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए, उनके साथ अधिकारी भी शामिल हुए। और उनके साथ हुआ यह है कि जो वित्त विभाग के प्रधान सचिव हैं वे जो है सब प्रेजेंटेशन दिए हैं और उसमें लोगों ने उसको पूरा देखा है, ये फेसबुक पेज पर जो किया गया है। लेकिन दोस्तों किसमें हुआ क्या है, पहले इसको समझने की बात है कि जो राशि तो जारी कर दिया गया है करीब 12,000 करोड़ रुपए का, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, उसको दो तरह से खर्च करना था, टाइड और अनटाइड फंड के तरह से, टाइड फंड और अनटाइड फंड दो तरह के राशि जारी हुए थे। क्योंकि उस समय यह चर्चा थी और कोई सोचा भी नहीं था कि चुनाव होने वाला था, चुनाव हो जाता तो यह राशि को पंचायतों द्वारा खर्च किया जाता। क्योंकि स्थितियां बदल गई है, ऐसी परिस्थिति में इस राशि को खर्च करने का जो तरीका है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पर प्रेजेंटेशन दिया गया है। अंदर खाने के सूत्रों की माने तो ज्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है, जो रेशियो था राशि का 70%, 20% और 10%, 70% पंचायतों को, 20% बीडीसी को, पंचायत समिति को और 10% जिला परिषद को, उसी फार्मूले पर खर्च करना है। और इसमें जो कुछ फंड जो है से टाइट फंड है और कुछ फंड जो है से अनटाइट फंड है। टाइट फंड को किस मद में खर्च करना है, जल जीवन हरियाली हो गया और बहुत सारे जो योजनाएं चल रही है उसमें खर्च करना है, यह भी क्लासिफाई कर दिया गया है, बंटवारा कर दिया गया है कि टाइट फंड से क्या करेंगे, अनटाइट फंड से क्या करेंगे।
ग्राम पंचायतों में हाटों का भी विकास करवाना है, क्योंकि जो किसान ग्राम पंचायत गांव में ज्यादा किसान रहते हैं, तो हाटों का विकास इसलिए करना है कि जो कृषि उत्पाद होते हैं, जो किसान उत्पादन करते हैं, उनको बाजार उसी स्थान पे मुहैया करा दिया जाए। इसके लिए यह पूरा स्पष्ट कर दिया गया है कि किस राशि से हाट का विकास होगा, किस राशि से गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, यह टाइड एंड टाइड फंड द्वारा बांटा गया है। और दूसरी बात यह है कि जो मंत्री जी ने बताया था कि 1 अप्रैल के बाद जो भी राशि खर्च करेंगे, कोई भी पंचायती राज की संस्थाएं जो खर्च करेगी, वह राशि जो है सो डोंगल के माध्यम से खर्च करना है। डोंगल के माध्यम से खर्च करना है, जो डायरेक्ट चेक वक नहीं काटना है। चेक काटने वाले पे कार्रवाई भी हो रही है, आप और अखबारों में देखे होंगे, और इस तरह के बहुत सारे मुखिया पे कार्रवाई करने के लिए पत्र आ गया है, उन पे कार्रवाई होगी जिन्होंने चेक से किसी को भुगतान दिया होगा। तो यह हो गई जो आज जो चर्चा हुई, और जो सम्राट चौधरी जी ने कुछ फोटोग्राफ्स भी शेयर किए हैं और पूरी इसकी जानकारी दिए हैं, लेकिन उन्होंने खुलकर कुछ खोल कर नहीं बताया। जो मैं बता रहा हूं, अंदर खाने में जो चर्चा है उसकी बात बता रहा हूं। जैसे ही सम्राट चौधरी कोई और मीडिया बयान देते हैं और विस्तृत जानकारी देते हैं, उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा, मैं बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन अंदर खाने में यह चर्चा यह भी हुई कि इस मुख्यमंत्री के साथ और दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ जो मीटिंग हुई, उसमें पंचायत चुनाव करवाने के बारे में भी चर्चा हुई। क्योंकि अब कोरोना महामारी का धीरे धीरे प्रकोप खत्म हो रहा है और स्कूल भी खोलने की प्रक्रिया में आ गई है कि स्कूल कब खोला जाए, इस पर विचार किया जा रहा है, तो चुनाव भी करवाने पर चर्चा चल रही है। क्योंकि स्कूल खोलने में बाढ़ कोई ज्यादा, जो अभी मानसून का जो मौसम है, जो बारिश के चलते और जो भी चुनाव करवाने में लेट हो रहा है, लेकिन स्कूल के मामले में ऐसा नहीं है, तो इसलिए स्कूल पहले खोल दिया जाएगा। लेकिन चुनाव के बारे में भी इस पर चर्चा हुई है, क्योंकि जैसे ही 16 तारीख को लागू हो जाएगा परामर्श समिति, वैसे ही 6 महीने का एक डेडलाइन भी जारी हो जाएगा, 6 महीने के अंदर चुनाव कर देना है। तो हो सकता है 1 सप्ताह 15 दिन में यह घोषणा हो जाए कि हम इस महीने में बिहार का पंचायत चुनाव होगा। खैर, वह बात की बात है, जो अंदर से चर्चा हो रही थी उसकी मैं बात कर रहा था। और जो देखिए, जो डोंगल की जो व्यवस्था है, जिला परिषद और बीडीसी में, यह जो डोंगल जो है से उनके सचिव के पास ही रहेगा, मात्र सचिव के जिम्मे रहेगा। इस परामर्शी समिति के जो सचिव हैं उनके जिम्मे, तो आपको पता ही है कि जिला परिषद में डीडीसी सचिव होते हैं और प्रखंड में बीडीओ, तो उनके पास डोंगल रहेगा। लेकिन पंचायतों में जो डोंगल है वह एक डोंगल रहेगा सचिव के पास, एक डोंगल रहेगा मुखिया जी के पास, जो 16 तारीख के बाद हो जाएंगे प्रधान परामर्शी समिति ग्राम पंचायत, तो उनके पास डोंगल रहेगा। डोंगल के माध्यम से ही खर्च करना है। और जो पूरा जो ये रूपरेखा प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया गया, समझाया गया कि इस राशि को कैसे और किस मद में खर्च करना है, कौन सा अनटाइट फंड है और कौन सा टाइट फंड है, और जो रेशियो होगा पंचायतों का कैसे खर्च करना है, और कोरोना महामारी के बाद प्राथमिकताएं बदली है। पहले गांवों में प्राथमिकताएं दूसरी थी। आपको याद होगा कि कोरोना से पहले जो राशि जो जारी हुआ था उसमें ज्यादा जोर दिया जा रहा था प्लास्टिक कचरा को हटाना और कचरा प्रबंधन पे ज्यादा जोर दिया जा रहा था। अब कोरोना महामारी के बाद अब जो पंचायतों को फंड रिलीज हो रहे हैं उसमें स्वास्थ्य सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। और जैसे ही पूरा नोटिफिकेशन जारी होता है कि कौन कौन से मद में क्या क्या खर्च, क्या नई योजनाएं लागू की जाएगी, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, यह आज के वीडियो में बस इतना ही, और भूलिएगा नहीं, हम अगला वीडियो में जो बहुत सारे सवाल कर रहे थे कि वार्ड क्रियान्वयन समिति का क्या होगा, तो उसमें पंचायती राज मंत्री ने बहुत स्पष्ट कुछ दिशा निर्देश दिए हैं वार्ड सचिव के भविष्य के बारे में और वार्ड सदस्य के भविष्य के बारे में, हम अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल पे। अब आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।